वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन, लगन आपकी, एडवाइस हमारी, दिस इज अल्पा सरोज एंड आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो माइनिंग द डाउट ओवर माय क्लास में हम देखो अंतिम वार करेंगे जिसमें SSCL जो है पार हो जाना चाहिए। ओके तो सब तैयार हैं, है ना? तो बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे और आपका एक तरीके से रिविजन हो जाएगा। मैं तो यही चाहती हूँ भाई सबका सिलेक्शन हो और जो क्वेश्चन हैं ठीक है उसको आप समझो, उसके पैटर्न को समझो और उसको रिमेम्बर करने की कोशिश करो कि जब भी आप पढ़ो तो वो क्वेश्चन आपको दोबारा फिर पढ़ना ना पड़े, ऐसा आपको याद करना है, राइट? तो आज के क्वेश्चन में बहुत डिफरेंट चीजें हैं और आप उसको समझना। ओके तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखो 20 अप्रैल को, ठीक है, 20 अप्रैल को जो है आपका माइनिंग बैटल कॉम्पिटिशन होने वाला है, राइट? आप देख पा रहे हो तो ये माइनिंग बैटल कॉम्पिटिशन जो आप देख रहे हो ये है ना, ये 20 तारीख को होगा, 20 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। ओके कहाँ पे होगा? अब क्वेश्चन आपका ये होगा तो टीचमेंट पे होगा। टीचमेंट ऐप होता है, प्ले स्टोर में जाओगे टीचमेंट ऐप डाउनलोड करेंगे, कुछ लोग तो क्लास करते भी होंगे वहां पे, तो वहीं पे जो है होगा, ठीक है। क्यों होगा वहां पे? क्योंकि जो है चीटिंग से बचने के लिए जो है वहां पे किया जा रहा है, क्योंकि फॉल्स मीन्स तो ऑब्वियस सी बात है सब अपनाते हैं, तो टेलीग्राम पे हम लोग कंडक्ट नहीं करा सकते बेसिकली क्विज। ओके तो टीचमेंट ऐप पे है और टाइमिंग क्या है, 11 बजे होगा, ठीक है, मॉर्निंग में, और 20 अप्रैल को डेट याद रखना है। अच्छा, अब करना क्या है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ₹50 रजिस्ट्रेशन फीस है। कहाँ पे करना होगा? यहाँ पे आपको जो है पेमेंट करना होगा। इस पे पेमेंट करने के बाद आप मुझे पर्सनली या फिर हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है उस पे कांटेक्ट कर सकते हो, उस पे आपको रिसीप्ट भेजना है इसका, ठीक है। उसके बाद जो है आपको एनरोल किया जाएगा, देन यू आर एलिजिबल फॉर टेस्ट। ओके फिर आप जो कॉम्पिटिशन के लिए तैयार हो, अब जिस दिन एग्जाम होगा बस डायरेक्ट जो है आपको लिंक भेज दिया जाएगा, उस लिंक को आप ओपन करोगे और आप जो है क्विज दे सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे प्राइज पे। देखो टॉप 10 विनर्स जो होंगे ना उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ओके तो 1000 रुपीज तक जो है आप प्राइज जीत सकते हो, तो याद रखिएगा ये बहुत ही अच्छा अवसर है। देखो क्योंकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज विनर तो रहते हैं ठीक है, लेकिन जो 10 तक आते हैं यानी टॉप 10 में जो आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है टॉप 10 तक भी पहुंचना। तो इसलिए जो है हम जो ज्यादा पार्शियलिटी ना करते हुए 10 तक जो विनर्स रहेंगे उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ओके अब ये जो है मंथली बैटल है, मींस कि अप्रैल का ये हो गया, अब उसके बाद जो भी मंथ आएंगे उसमें एक दिन जो है आपका कंपटीशन आयोजित किया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, रजिस्ट्रेशन जो है 17 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, 17, 18, 19, 3 दिन का समय आपके पास, 3 दिन में जो है रजिस्ट्रेशन फटाफट कर लीजिए और फिर उसके बाद जो है आपका आप तैयार हो जाओगे, बस आपको टेस्ट देना होगा, मतलब कंपटीशन देना होगा एक तरीके से, ठीक है। ये नंबर यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, रिसिप्ट भेजेंगे आप यहीं पे, ओके, और किसी नंबर पे नहीं भेजना है आपको, टेलीग्राम पे भेज सकते हो और यहाँ पे भेज सकते हो, राइट? समझ में आया? अच्छा, आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो करियर इन एक्शन को इंस्टाग्राम पे, और मुझे फॉलो करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। मैं आपको सिर्फ इंस्टाग्राम पे मिलूंगी, कहीं और नहीं मिलूंगी, फेसबुक पे भी नहीं मिलूंगी, ठीक है, मैं फेसबुक नहीं चलाती इसलिए। ओके ये समझ में आ गया, आगे बढ़ जाए। चलो अब स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ तो हो गया, आपको समझा दिया मैंने कि क्या क्या कंपटीशन के बारे में, जरूरी था क्योंकि इसका मैं एक अलग वीडियो लेके आऊंगी, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगी आपको, क्योंकि बहुत सारी दिक्कत होती है टीचमेंट को स्टार्ट करने में, प्रॉब्लम होती है और इस तरीके से मैं समझा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें। ओके चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ, SSCL माइनिंग मिक्स क्वेश्चन होंगे ये। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, एज पर द MBT रूल 1966 एवरी ट्रेनिंग सेंटर शैल बी अंडर द चार्ज ऑफ होम एटलीस्ट अ होल टाइम और पार्ट टाइम एज स्पेसिफाइड बाय चीफ इंस्पेक्टर, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो MBTR रूल यानी कि माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल है जो 1966, उसके अकॉर्डिंग हर ट्रेनिंग सेंटर किसके चार्ज में होगा, क्वेश्चन में कह रहा है किसके चार्ज में होगा, मतलब एटलीस्ट होल टाइम और पार्ट टाइम, मतलब पार्ट टाइम या फिर पूरे ही समय किसके चार्ज में होता है, जो कि स्पेसिफाइड किया था चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा, इंजीनियर, ट्रेनिंग ऑफिसर, जनरल मैनेजर या फिर सुपरवाइजर, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ना, अच्छा तो है। अच्छा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेनिंग ऑफिसर, ठीक है। तो आप चैप्टर मतलब MBTR रूल 1966 में आप चैप्टर 6 में जाओगे, आपको रूल नंबर 20 देखना है। रूल नंबर 20 में आपको मिलेगा ट्रेनिंग ऑफिसर्स के बारे में, ट्रेनिंग ऑफिसर के बारे में क्या लिखा, देखो एवरी ट्रेनिंग सेंटर शैल बी प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ होल टाइम और पार्ट टाइम ट्रेनिंग ऑफिसर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय चीफ इंस्पेक्टर। ओके याद रखिएगा इसको। अच्छा अब 21 रूल में क्या दिया है, ड्यूटीज दिया है ट्रेनिंग ऑफिसर का, चाहो तो आप इसको पढ़ सकते हो, चाहो क्या पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ लीजिएगा उसको, ठीक है, ड्यूटीज पढ़ लीजिएगा ट्रेनिंग ऑफिसर का, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं फटाफट, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा।
register of daily attendance of person employed in below ground working shall be maintained in which form? देखो फॉर्म से क्वेश्चंस काफी आते हैं, मैं इसका एक वीडियो लेके आऊंगी कि पहले कौन से फॉर्म्स थे, अभी न्यू वाले कौन से फॉर्म्स आ गए, इसको जानना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो जो डेली अटेंडेंस होता है ना, पर्सन जो भी इम्प्लॉयड है बिलो ग्राउंड वर्किंग में, उनका एक रजिस्टर बनता है, डेली अटेंडेंस जो होता है वो किस में मेंटेन किया जाता है, किस फॉर्म में, क्वेश्चन में ये कह रहा है, फॉर्म सी, ई, एफ या फिर डी बताना है। ओके, दिमाग घुमा? अच्छा घुमा तो अच्छी बात है, कुछ लोगों को याद भी आ रहा होगा क्या चीज है, क्या फॉर्म होगा, कौन सा फॉर्म होगा, सबको याद आ रहा होगा। ऑलराइट, मैं बता देती हूँ, फॉर्म डी में जो है आपका डेली, देखो डी से डेली याद रखो, ठीक है, डेली जब अटेंडेंस के बाद आए तो आपके दिमाग में फटाक से ये ट्रिगर करना चाहिए कि अच्छा डेली की बात हो रही है, यानी कि डी डी फॉर्म में जो है आपका ये रजिस्टर बनेगा, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है, मैंने ट्रिक तो बता दिया आपको, इसको दिमाग में ट्रिक करना ही करना पड़ेगा तभी आपको याद होगा। वैसे इस तरीके से नॉर्मल याद करोगे कि हाँ भाई आज याद हो गया, लेकिन जब आप वहां याद करने की कोशिश करोगे ना तब आपको याद नहीं आएगा, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा जो है क्वेश्चन को किसी ना किसी चीज से लिंक किया करिए। ओके चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे। क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है The maximum air velocity at long wall working phase shall not exceed। अब कहता है कि जो maximum air velocity होता है long wall working phase जो होता है वहां पर कितने से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, air velocity maximum air velocity जो है वो कितने से ज्यादा नहीं exceed होना चाहिए, 6 meter per second, 3 meter per second, 8 meter per second या फिर 4 meter per second। ठीक है, तो कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो याद रखिएगा 4 meter per second। ओके, जो maximum air velocity होता है वो लॉन्ग वॉल ऑफ वर्किंग फेसेस में वो 4 मीटर पर सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा उसको। जबरदस्त क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आ सकता है आपसे, पूछ सकता है। बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे, फटाफट देखेंगे हम लोग, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 11 ऑफ द सीएमआर 2017 विच ऑफ द फ्लोइंग सर्टिफिकेट्स आर ग्रांटेड बाय द बोर्ड। अब देखो यहाँ पे अब सब बुक लेके बैठा करिए, ठीक है, सीएमआर 2017 में जो है बुक लेके बैठा करिए, और जब भी कुछ आए उसको राइट डाउन करिए और नोट करिए, ठीक है, कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस रेगुलेशन से क्वेश्चन आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि भाई सारा ही रेगुलेशन से क्वेश्चन पूछ लेगा, नहीं, कुछ स्पेसिफिक रेगुलेशन है उनसे ही क्वेश्चन आएंगे, राइट, ये तो समझते हो ना। तो जो रेगुलेशन 11 है फटाक से खोलो सीएमआर 2017 का, उसके अकॉर्डिंग बोलता है इस चार ऑप्शन में से कौन सा सर्टिफिकेट ग्रांट किया जाता है बोर्ड के द्वारा, ये क्वेश्चन में कह रहा है ना, हॉलेज ड्राइवर सर्टिफिकेट, इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट या फिर दोनों ही, या फिर लोकोमोटिव ड्राइवर सर्टिफिकेट। आप देखो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट, ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट जो है ये ग्रांट किया जाता है बोर्ड के द्वारा, ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्लास सर्टिफिकेट हो गया, सेकंड क्लास सर्टिफिकेट हो गया, सर्वेयर का सर्टिफिकेट हो गया, ओवरमैन सर्टिफिकेट, सरदार का सर्टिफिकेट, वाइंडिंग इंजन मैन, वाइंडिंग इंजन मैन यही आपका इंजन मैन, जो इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट होता है उसी को बोलते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये सारे जो है बोर्ड के द्वारा जो है ग्रांट किए जाते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द ऑक्सिलरी फैन शैल बी डैश विद द स्विच गियर कंट्रोलिंग पावर सप्लाई टू द इन बाई फेस इक्विपमेंट। अब यहाँ पे कह रहा है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ऑक्सिलरी फैन है वो क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट होना चाहिए, इंटरलॉक होना चाहिए, या फिर सारे ही ऑप्शन बोल रहा सही है, या फिर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो जो ऑक्सिलरी फैन है वो क्या होना चाहिए, इंटरलॉक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंटरलॉक होना चाहिए स्विच गियर के साथ, ठीक है, द ऑक्सिलरी फैन शैल बी इंटरलॉक विद द स्विच गियर कंट्रोलिंग पावर सप्लाई टू द इन बाई फेस इक्विपमेंट, ठीक है, तो पावर सप्लाई क्या करता है, कंट्रोल करता है स्विच गियर, याद रखिएगा इसको, तो जो ऑक्सिलरी फैन है वो इंटरलॉक होना चाहिए स्विच गियर के साथ, इसको याद रखने की वाली चीज है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इन वाइंडिंग शाफ्ट कोड ऑफ सिग्नल टू स्टॉप द केज इज। अब देखो शाफ्ट से तो क्वेश्चन आना ही आना, याद रखिए, या तो वो हॉलेज का होगा या फिर वाइंडिंग शाफ्ट का होगा, याद रखना है इसको। तो वाइंडिंग शाफ्ट में बोलता है जो कोड ऑफ सिग्नल है केज का, ठीक है, तो याद रखिएगा जब वाइंडिंग शाफ्ट अलग है हॉलेज अलग है दोनों में अलग अलग है, उसको याद कर लीजिएगा, एक चार्ट बना के चिपका लीजिएगा दीवार में, ठीक है, देर सुबह शाम देखेंगे याद हो जाएगा, दोनों में अलग अलग चीज है। तो वाइंडिंग शाफ्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे तो सिग्नल अगर देना है तो अगर हमें स्टॉप करना है, ठीक है, केज को अगर हमें स्टॉप करना है तो कितना घंटी देते हैं हम, सिग्नल कितना घंटी देते हैं, 3 रैप देते हैं, यानी कि 3 घंटे या फिर 2 घंटे या फिर कोई भी नहीं या फिर कहते 1 घंटे, तो ये तो सबको पता होगा ना, स्टॉप करने के लिए हम 1 घंटी बजाएंगे, ठीक है, याद रखिए इसको, मैंने इसको बहुत बार बताया है, ये 1 रैप मैं लिख दे रही हूँ, 1 रैप के लिए स्टॉप, ठीक है, कब, जब इंजन मोशन में हो, जब इंजन मोशन में हो तब 1 रैप, ठीक है, स्टॉप करने के लिए, जब इंजन रेस्ट में हो, यानी कि स्टॉप मतलब रेस्ट में हो जब इंजन, तब हम क्या करेंगे, जब इंजन रेस्ट में हो तब हम 1 रैप, ठीक है, तो हम ऊपर करेंगे इसको, टेक अप स्लैग
एक आप स्लैक, ठीक है, याद रखेंगे इसको, इसको याद रखेंगे, वन रैप स्टॉप करने के लिए, एक रैप याद रखेंगे टेक अप स्लैक अगर बोला हो, रेस्ट बोला गया इंजन रेस्ट में है तब आप इसको यूज करोगे वन रैप को फिर से, और अगर बोले कि मतलब स्लोली आपको रेज करना है तब भी आप वन रैप यूज करोगे, ठीक है। अगर इंजन रेस्ट में हो तो ये तीन चीजें याद रखनी है आपको, वन रैप टेक अप स्लैप स्लैक, वन रैप रेज स्लोली, टू रैप यहाँ पे लोअर करने के लिए, दो रैप यानी दो घंटी लोअर करने के लिए जब इंजन रेस्ट में हो, समझ रहे हो। जब मैन राइडिंग मतलब मैन जब चढ़ते हैं तो तीन घंटी मारेंगे, ठीक, तीन घंटी बजाया जाएगा टेक अप स्लैक, ठीक है, स्लैक ऊपर लाने के लिए तीन घंटी बजाया जाएगा, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ओके। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन देखेंगे। हाउ मेनी ईयर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड फॉर अपीयरिंग सरदार सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन इफ कैनेट हैज रिसीव डिप्लोमा इन माइनिंग। अब कहता है कि भाई कितना, अब क्वेश्चन में कह रहा है देखो यहाँ बच्चों कि कितना साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जरूरी है माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए। अगर कैंडिडेट के पास डिप्लोमा है, उसके पास अगर डिप्लोमा डिग्री है माइनिंग से, तो कहता है कितना प्रैक्टिकल साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए सरदार सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन को अपीयर करने के लिए, चार साल, छह साल, दो साल या फिर एक साल। तो यहाँ बता दूं कि एक साल एक्सपीरियंस होना जरूरी है आपको, ठीक है, जब आपको ये सरदार सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के लिए जब आप अपीयर होंगे तो आपको एक साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर एट है हमारा, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ नोटिफाइड डिजीज अंडर द प्रोविजन ऑफ माइंस एक्ट 1952। कहता है कि अब देखो नोटिफाइड डिजीज तो पहले आप जान लो, सारा ही पढ़ लो एक लाइन से, नोटिफाइड डिजीज कौन कौन से है, मैं इसको वीडियो बहुत बार बनाया है, आप चाहो तो देख सकते हो, डायरेक्ट सर्च करो कि नोटिफाइड डिजीज बाय करियर इन एक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो नोटिफाइड डिजीज क्वेश्चन में कह रहा है कौन से नहीं है माइंस एक्ट 1952 के प्रोविजन के अनुसार। तो नीमो यहाँ पे देख पा रहे हो, निमोनोकोनियोसिस, एस्बेस्टोसिस, ब्लड शुगर या फिर नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस या फिर सिलिकोसिस। अब आपके दिमाग में एक चीज तो आ रहा है कि भाई ये भी मैंने पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, पढ़ा क्या नहीं है, ब्लड शुगर। ब्लड शुगर थोड़ी ना ये नोटिफाइड डिजीज है, माइंस में जब आप काम करोगे तो कुछ स्पेसिफिक नोटिफाइड डिजीज बनाए गए हैं, आई थिंक आठ है कुछ, तो उसको देखना जरूरी है भाई, उसको देखो, ठीक है, उसको भी चार्ट बना के चिपका लो दीवार में, याद रख लो। तो ब्लड शुगर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो है ये नोटिफाइड डिजीज नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा, ये हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है कि हाँ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ये ध्यान में रखने वाली चीज है। अब कुछ लोग बस क्वेश्चन देखे कि नोटिफाइड डिजीज लिखा हुआ है और फटाक से जो है कुछ लगा दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना, ध्यान से देखिए नॉट लिखा है क्या पूछ रहा है, उसके बाद जो है आंसर पे जाइए, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन पे, ऑल अनयूज्ड वर्किंग विच हैव नॉट बीन सील्ड ऑफ शैल बी इंस्पेक्टेड वंस एट लीस्ट एवरी डैश डेज एंड ऑल्सो एंड ऑल आइसोलेशन स्टॉपिंग बिल्ड अराउंड वो ऑफ एरिया शैल बी इंस्पेक्टेड वंस एट लीस्ट डैश डेज। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अनयूज्ड वर्किंग होते हैं, ठीक है, जितने भी अनयूज्ड वर्किंग हैं जिनको सील्ड ऑफ नहीं किया गया है वो इंस्पेक्ट किए जाने चाहिए एटलीस्ट एवरी डैश डे। कितने दिनों पे जो है वो इंस्पेक्ट किया जाना चाहिए, ये क्वेश्चन में पहला तो पूछ रहे हैं, तो हम कितना दिन बता दें, देखो 15 डेज लिखा है, 7 and 7 days, 16 30 days, 15 and 7 days, याद रखिएगा हर सातवें दिन पे जो है इंस्पेक्ट इसको किया जाना चाहिए, जितने भी मतलब सील्ड ऑफ जो नहीं किए गए हैं, जितने भी जहाँ पे अनयूज वर्किंग हुआ है वहां पे अगर सील ऑफ नहीं किया गया है तो उसको जो है इंस्पेक्ट किया जाना चाहिए हर सातवें दिन में एक बार, याद रखिएगा, मतलब सात दिन में एक बार तो करना ही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। एंड उसके बाद आगे भी क्वेश्चन है, मैं पढ़ रही हूँ, एंड ऑल आइसोलेशन स्टोपिंग बिल्ड अराउंड गो अबाउट एरिया शैल बी इंस्पेक्टेड वंस एट। तो यहाँ पे कहता है कि जो भी आइसोलेशन स्टोपिंग है जो बनाए गए हैं मतलब गो अबाउट एरियाज के अराउंड, तो उनको भी इंस्पेक्ट किया जाना चाहिए एटलीस्ट कितने दिनों के अंदर, सात दिन, ये भी आंसर सात दिन हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा बोथ जो है 7 and 7 days इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एनुअल लीव विद वेजेस शैल बी कैलकुलेटेड फॉर अ पर्सन एम्प्लॉयड बिलो ग्राउंड ऑन द बेसिस ऑफ द रेट ऑफ वन डे फॉर एवरी हाउ मेनी डेज। तो यहाँ पे देखो इसका मतलब ये होता है कि देखो जो बिलो ग्राउंड है, ठीक है, तो वहां पे जो कार्यरत व्यक्ति हैं तो उनके लिए जो वेतन सहित वार्षिक अवकाश की जो गणना होती है तो प्रत्येक कितने दिनों के लिए एक दिन की दर से की जाएगी। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है 15 दिन 8 दिन 12 दिन या फिर 30 दिन, है ना, तो याद रखिएगा इसका आंसर आपका हो जाएगा 15 दिन, ठीक है, 15 दिन के हिसाब से किया जाएगा गणना, इसको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, मिनिमम एज फॉर हैविंग अपॉइंटमेंट एज मैनेजर ऑफ कोल माइन इज। अब कहता है कि जो मिनिमम एज है, ठीक है, मैनेजर को अपॉइंट करने का कोल माइन में, वो कितना होगा, तो कितना होना चाहिए मिनिमम एज भाई। अब इसको तो फटाक से आपके दिमाग में आना चाहिए कि अपॉइंटमेंट कहाँ दिया है मैनेजर का, किस रेगुलेशन में हम जाएंगे। यहाँ पे देखो मिनिमम एज बोल रहा है वो 20, 21, 18 या 23 दिया हुआ है,
है ना, तो फटाक से दिमाग में आना चाहिए पहले तो इसका आंसर। चलो इसका मैं आंसर बता दे रही हूँ आपको, 23 साल हो जाएगा, ठीक है 23 साल। कैसे, देखो आप सीएमआर खोलो, ठीक है, रेगुलेशन में जाइए, कौन से रेगुलेशन में, 27, ठीक है 27 रेगुलेशन में जाएंगे, आपको क्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट मिलेगा मैनेजर का, उसमें आप जो है सब रेगुलेशन 2 में देखेंगे आपको, वहां पर बकायदा लिखा हुआ है कि नो पर्सन शैल एक्ट और बी एम्प्लॉयड एज ए मैनेजर अनलेस ही हैज अटेन 23 ईयर्स ऑफ एज। ओके याद रखिएगा इसको, तो कोई भी पर्सन 23 साल से कम उम्र का है तो वो जो है एम्प्लॉयड नहीं होगा एज ए मैनेजर, याद रखिएगा इसको, 27 रेगुलेशन दिमाग में रखना है। अच्छा एक चीज आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हो कि अगर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोल रहा है तो उसका रेगुलेशन अलग है, अपॉइंटमेंट बोल रहा है तो उसका रेगुलेशन अलग है। कुछ लोग यहाँ पे इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब वो बोल रहा है कि अपॉइंटमेंट तो रूल्स एंड ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसका याद करके रखें कि इस रेगुलेशन में ये है। प्लीज आप लोग थोड़ा सा डिफरेंशिएट करो इसमें, इसका अंतर समझो कि अपॉइंटमेंट का अलग रेगुलेशन है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का अलग है, ठीक है ये बेसिक डिफरेंस समझिए, गलती मत करके चले आइएगा एग्जाम में, फिर मुझे मत ब्लेम करिएगा कि मैडम आप तो बताई थी ऐसा और फिर एग्जाम में आया नहीं, तो हम ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे हैं तो क्या अपॉइंटमेंट नहीं पढ़ेंगे आप लोग, तो जब बात कर रहे हैं। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12, द एवरेज कंसेंट्रेशन ऑफ रिस्पायरेबल डस्ट इन माइन एटमोसफेयर ड्यूरिंग ईच शिफ्ट टू विच अ पर्सन इज एक्सपोज एट एनी वर्किंग इज शैल नॉट एक्सीड डैश वेयर द फ्री सिलिका इन एयर बॉर्न डस्ट इज डैश और लेस। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो भी शिफ्ट होता है, ठीक है, उसमें जो एवरेज कंसेंट्रेशन होता है रिस्पायरेबल डस्ट का माइन एटमोसफेयर में, जो भी रिस्पायरेबल डस्ट होता है ना, ईच शिफ्ट की बात हो रही है, तो जो पर्सन है वो एक्सपोज हो रहा है राइट उस डस्ट से, तो उस जो वर्किंग में जो एक्सपोज हो रहा है तो जो रिस्पायरेबल डस्ट है उसका जो कंसंट्रेशन है एवरेज कंसंट्रेशन वो कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जहां पे जो फ्री सिलिका है एयर बॉर्न डस्ट में वो या उससे कम होना चाहिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन में कह रहा है। पहले तो ये जानो कि कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए एक्सपोजर जो है, कितने ज्यादा नहीं होना चाहिए यानी कि रिस्पायरेबल डस्ट का जो कंसंट्रेशन है वो कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 mg/m³ या फिर 5%, यहाँ पे दिया है दोनों का आंसर दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 mg/m³, 5 mg/m³ या फिर 3 mg/m³ और 5% यहाँ पे देख पा रहे हो, तो मैं बताना चाहूंगी आपको इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 mg/m³ और 5%, यहाँ पे देखो 2 mg/m³ और ये 5%। अब यहाँ पे समझो तो जो एवरेज कंसेंट्रेशन होता है रिस्पायरेबल डस्ट का माइन एटमोसफेयर में, तो जो भी शिफ्ट चल रहा है, ठीक है, तो उसमें जो पर्सन एक्सपोज हो रहे हैं तो वो जो एवरेज कंसेंट्रेशन है रिस्पायरेबल डस्ट का वो 2 mg/m³ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा इसको, जहां पे फ्री सिलिका जो है एयर बॉर्न डस्ट में, जो फ्री सिलिका है एयर बॉर्न डस्ट में वो 5% या उससे कम होना चाहिए, ठीक है 5% या उससे कम होना चाहिए जहां पे फ्री सिलिका है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है, थोड़ा याद रखिएगा इसको। बड़े क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्वेश्चन 13 कहता है अ जॉ क्लच इज प्रोवाइडेड विद, अब कहता है कि जो जॉ क्लच होता है वो प्रोवाइड किया जाता है ना, डायरेक्ट रोप हॉलेज में, एंडलेस रोप हॉलेज में, टेल रोप हॉलेज में या फिर मेन एंड टेल रोप हॉलेज में, तो दिमाग में तो आ ही गया होगा आपके इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना, बता देती हूँ आपको इसका आंसर होगा डायरेक्ट रोप हॉलेज, ठीक है जो जॉ क्लच है वो प्रोवाइड किया जाता है डायरेक्ट रोप हॉलेज में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 है, फटाफट देखेंगे जल्दी जल्दी, टाइम नहीं लेते हैं। गाइड रोप ऑफ वाइंडिंग शाफ्ट शुड बी रिप्लेस्ड व्हेन द डायमीटर ऑफ गाइड रोप इज रिड्यूस्ड बिटवीन डैश ऑफ द ओरिजिनल डायमीटर, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो डायमीटर है गाइड रोप का, अगर मान लो वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, मतलब कितना कम हो जाता है, अगर कितने के बीच में हो जाता है अपने ओरिजिनल डायमीटर से, तो जो गाइड रोप है वाइंडिंग शाफ्ट का उसको हम रिप्लेस कर देंगे, ये कहना चाह रहा क्वेश्चन में, तो कितने के बीच अगर वो रिड्यूस हो जाता है, मतलब कितना कम हो जाता है डायमीटर जो है गाइड रोप का, कितना कम हो जाता है अपने ओरिजिनल डायमीटर से, तो हम वाइंडिंग शाफ्ट का जो गाइड रोप है उसको चेंज या फिर रिप्लेस कर देंगे, 10%, 15% या फिर 12%, 15% के बीच में, या फिर 10%, 12% या फिर 15% या फिर 17% के बीच में, है ना, तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा 12% एंड 15%, ठीक है, अगर इसके बीच में अगर कम हो जाता है जो डायमीटर है गाइड रोप का, तो हम जो है गाइड रोप का जो वाइंडिंग शाफ्ट है उसको हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है याद रखिएगा 12% से 15% के बीच में अगर ये रिड्यूस हो जाता है। तो बढ़ेंगे क्वेश्चन 15 के, एज पर द माइंस रूल 1955 आ गया भाई क्वेश्चन, माइंस रूल 1955 का, व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ कैंटीन मैनेजिंग कमेटी, ठीक है, तो कह रहा है कि माइंस रूल 1955 के अकॉर्डिंग जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं कैंटीन मैनेजिंग कमेटी का, उनका टर्म क्या होता है, उनका कार्यकाल क्या होता है ऑफिस में,
जो टर्म होता है उनका वो कितना होता है, 4 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल, है ना। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 साल। 2 साल टर्म होता है जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं कैंटीन मैनेजिंग कमेटी के, याद रखिएगा उसका 2 साल, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16 है, स्टीप वर्किंग इज कंसिडर्ड इफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है स्टीप वर्किंग इज कंसिडर्ड इफ। अब स्टीप वर्किंग को हम कंसिडर करेंगे कब, कब करेंगे? चार ऑप्शन देखो, वर्किंग हैविंग इंक्लाइनेशन ऑफ 20 डिग्री और मोर, वर्किंग हैविंग इंक्लाइनेशन ऑफ 10 डिग्री और मोर्स, मोर्स क्यों लिखा है, मोर होगा यहाँ पे, ठीक है, मोर कर लीजिए इसको, या फिर वर्किंग इंक्लाइनेशन ऑफ 15 डिग्री और मोर, या फिर 30 डिग्री और मोर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं बताना चाहूंगी आपको स्टीप वर्किंग कुछ दिमाग में आ रहा आपको, रेगुलेशन 127, जाइए देखिए स्टीप वर्किंग मिलेगा आपको देखने, है ना, रेगुलेशन 127 में आपका दो ही सब रेगुलेशन है, 1 और 2, तो दोनों पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लिए इसको। मैं बता दे रही हूँ आपको कि जब स्टीप वर्किंग की बात हो रही है तो हम तब कंसिडर करेंगे जब जो वर्किंग का इंक्लाइनेशन है वो कितना हो, 30 डिग्री हो, ठीक है। जो वर्किंग का इंक्लाइनेशन है अगर 30 डिग्री या उससे ज्यादा है तब हम उसको कंसिडर करेंगे कि ये स्टीप वर्किंग है, ओके। अच्छा अब हम जो रेगुलेशन उसमें क्या लिखा हुआ वो भी बता दूं आपको, देखो जहां पे जिस वर्किंग में इंक्लाइनेशन 30 डिग्री या उससे ज्यादा है, मतलब हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, तो हमें एडिक्वेट प्रिकॉशन लेने की जरूरत है ताकि जो डेंजर है उससे हम बचें, ठीक है, पर्सन को गिरने से बचाया जा सके। जहाँ ढलान है ना, तो जो टिम्बर होता है जिसे रोल करने लगे, अगर वो रोलिंग करने लगे, गिरने लगे, है ना, टूल्स हो गए या जो भी अप्लायंस मटेरियल हो गए उनको गिरने से बचाया जा सके, है ना, कि इसका जो झुकाव है वो ज्यादा अगर हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो है प्रिकॉशन लिया जाता है, ठीक है। ठीक है, स्टीप वर्किंग इसी को बोलते हैं, इसको प्रिवेंट करने के लिए जो, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम जो है ये एडिक्वेट प्रिकॉशन लेते हैं अगर इसे ज्यादा हो जाता है तो। अच्छा अब यहाँ पे देखो एक और पॉइंट है, नो पर्सन शैल वर्क और टू बी परमिटेड और बी परमिटेड टू वर्क एट एनी प्लेस हैविंग इंक्लाइनेशन ऑफ 45 डिग्री और मोर फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये कह रहा है कि देखो अगर 45 डिग्री से ज्यादा इंक्लाइनेशन हो जाता है हॉरिजॉन्टल से ही, तो वहां पे किसी भी पर्सन को काम करने की इजाजत नहीं है, ठीक है। और एक और चीज, क्योंकि वहां पे ये खतरा है कि वो ओवर बैलेंस हो जाएगा या फिर स्लिप कर सकता है वो बंदा, ठीक है। और एक और चीज, और सेफ्टी बेल्ट लगा के ही जो है यहाँ पे काम करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं तो ओवर बैलेंस और स्लिप हो सकता है, ओके, या फिर कोई भी अदर मींस जो है, जैसे जो सेफ गार्ड करे उसको वो यूज करना होगा उसको। तो यहाँ पे इतना समझ में आया, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 17 देखो, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इल्यूमिनेशन इन लक्स एट अंडरग्राउंड हॉलर इंजन शैल नॉट बी लेस देन। अब कहता है कि जो मिनिमम स्टैंडर्ड है इल्यूमिनेशन का लक्स में, है ना, अंडरग्राउंड हॉलर इंजन में, वो कितने से कम नहीं होना चाहिए, शैल नॉट लेस देन, कितने से कम नहीं होना चाहिए, 20 हॉरिजॉन्टल, 50 हॉरिजॉन्टल, 10 हॉरिजॉन्टल या फिर 30 हॉरिजॉन्टल। तो बताइए मिनिमम स्टैंडर्ड जो बोल रहा है इल्यूमिनेशन का लक्स में, कह रहा है अंडरग्राउंड हॉलेज इंजन में, वो कितने हॉरिजॉन्टल से कम नहीं होना चाहिए, 20, 50, 10 या फिर 30। तो मैं बता दूं आपको 30 हॉरिजॉन्टल से ज्यादा कम जो है, 30 हॉरिजॉन्टल से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा 30 हॉरिजॉन्टल इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, द प्रोटेक्टिव फुट वियर शैल बी सप्लाइड एट इंटरवल ऑफ एट लीस्ट डैश। अब प्रोडक्टिव फुटवियर बोल रहा है कि इसको सप्लाई किया जाना चाहिए एट इंटरवल ऑफ एटलीस्ट, कितने इंटरवल के बीच में, है ना, प्रोडक्टिव फुटवियर तो समझ रहे हो ना, ठीक है, तो उसको कितने इंटरवल पे सप्लाई किया जाना चाहिए, 2 साल 6 मंथ, 1 साल या फिर 3 महीना। बता दूं आपको कि 6 मंथ में, एट इंटरवल ऑफ 6 मंथ, एटलीस्ट 6 मंथ के इंटरवल पे जो है इसको सप्लाई किया जाना चाहिए प्रोडक्टिव फुटवियर, ओके, 6 महीने ज्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 है, द कमिटी मींस अ कमिटी अपॉइंटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द माइंस एक्ट। तो भैया फटाफट जो है, तो फ्रेंड तो यहाँ पर देखो बच्चों, माइंस एक्ट फटाफट खोल लो, ठीक है, स्टार्टिंग नहीं मिल जाएगा आपको, तो हमको लग रहा है पहले पेज पे लिखा हुआ है। कमिटी कहता है कि कमिटी का मतलब होता है कमिटी जो अपॉइंट किया जाए किस सेक्शन के अंतर्गत, माइंस एक्ट के, तो 14, 12, 13 या फिर 10 सेक्शन लिखाइए, तो किस सेक्शन में है कमिटी के बारे में दिया गया है, तो बताओ भाई, अपॉइंटमेंट होता है कमेटी का 12 सेक्शन में, ठीक है, 12 सेक्शन में अपॉइंटमेंट बताया गया है कमेटी का, याद रखिएगा इसको 12 सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, इन केस ऑफ अ सेकंड डिग्री गैसी माइन इलेक्ट्रिक वेल्डिंग अपैरेटस मे बी यूज्ड इन अंडरग्राउंड ओनली इफ परमिशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश। ओ यहाँ पे कह रहा है कि सेकंड डिग्री गैसी माइन में, अगर ये केस है सेकंड डिग्री गैसी माइन का, तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग अपैरेटस जो होता है उसको हम यूज करेंगे अंडरग्राउंड में, तभी यूज करेंगे जब हमें किससे परमिशन मिला हो। यहाँ पे देखो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइन, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइन या फिर मैनेजर या फिर सेफ्टी ऑफिसर,
है ना, जबरदस्त क्वेश्चन, दिमाग घूम गया। ठीक है, बताइए बताइए बताइए, सोचिए सोचिए, है ना, सोच लिए, अभी मैं बताऊं, याद रखना है इसको, मैनेजर। ठीक है, सेकेंड डिग्री गैस माइन की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग अपैरेटस जो है अंडरग्राउंड माइंस में यूज करेंगे, मैनेजर से परमिशन लिया गया होगा तभी यूज किया जा सकता है। ओके ठीक है, याद रहेगा। बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 21 है, इन एब्सेंस ऑफ रेगुलर माइन मैनेजर हु विल एक्सरसाइज द ड्यूटीज ऑफ मैनेजर इन एनी इमरजेंसी रूल, एनी इमरजेंसी अंडर रूल 24 ऑफ द माइंस रेस्क्यू रूल 1985। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर मान लो कोई इमरजेंसी है अंडर रूल 24 ऑफ माइंस रेस्क्यू रूल 1985, मान लो कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, रूल 24 देख लेना आप लोग, माइंस रूल रेस्क्यू का 1985 का, कोई इमरजेंसी है और उसमें क्या होता है कि जो मैनेजर है, ओके, अगर वो नहीं है, एबसेंट है, मतलब उसके एबसेंस में जो रेगुलर माइन मैनेजर होता है, देखो जो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि रेगुलर माइन मैनेजर के एबसेंस में उसकी ड्यूटीज जो मैनेजर की है वो कौन एक्सरसाइज करेगा, मतलब उसकी जगह पे कौन निभाएगा ये ड्यूटीज, क्वेश्चन में ये कह रहा है, सेफ्टी ऑफिसर निभाएगा या प्रिंसिपल ऑफिसर होगा माइन का, मतलब उसी माइनिंग डिसिप्लिन का वो निभाएगा, या फिर माइन एजेंट या फिर चीफ माइन मैनेजर कौन निभाएगा। अच्छा, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफिसर। ओके ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो माइनिंग डिसिप्लिन है आपका, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की बात नहीं हो रही है, याद रखिएगा, माइनिंग डिसिप्लिन में जो प्रिंसिपल ऑफिसर होगा वो जो है यहाँ पे इस एक्सरसाइज को क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा, ठीक है, निभाएगा इसको, अगर वो माइन मैनेजर नहीं है रेगुलर माइन मैनेजर तो। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है समझिए इसको कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल छोड़ के आपका जो माइनिंग डिसिप्लिन का सबसे सुपीरियर जो अथॉरिटी है, यानी कि आपका प्रिंसिपल ऑफिसर, वो जो है यहाँ पे ड्यूटीज को परफॉर्म करेगा। ओके याद रखिएगा इसको, अगर आपका माइन मैनेजर एबसेंट है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, बेस्ड ऑन पावर डायग्राम आ मीथेन एयर मिक्सचर कंटेनिंग 9.5% ऑफ मीथेन एंड 20% ऑफ ऑक्सीजन कैन बी क्लासिफाइड एज। अभी आप कहता है कि बेस्ड ऑन क्वार्ट्ज डायग्राम, तो अब हम क्वार्ट्ज डायग्राम के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। देखो तो बेसिकली ये होता क्या है, क्वार्ट्ज एक्सप्लोसिविटी डायग्राम ये मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, देखो ठीक है, तो क्वार्ट्ज जो है ये एक एक्सप्लोसिव ट्राइंगल डायग्राम होता है ना, ये किनके द्वारा पब्लिश किया गया था, क्वार्ट लिख दे रही हूँ, क्वार्ट शॉर्ट में समझ लो, क्वार्ट एंड जोन्स 1952 में किया गया था इनके द्वारा। ओके अच्छा, ये फास्ट और एक इजी वे है जिससे आप ये डिटरमाइन कर सकते हो कि जो एक्सप्लोसिबिलिटी होता है ना गैस मिक्सचर का, वो कैसे हम डिटरमाइन करते हैं, यानी कि एक एक्सप्लोजन लिमिट जो होता है गैस मिक्सचर का, वो हम डिटरमाइन करते हैं इसको, ये फास्ट एंड हार्ड, मतलब फास्ट एंड ईजी रूल है, इससे आप जो है डिटरमाइन किया जा सकता है। याद रहेगा, गैस मिक्सचर जो होता है उसका एक्सप्लोसिबिलिटी लिमिट जो है ये डिटरमाइन करता है। ठीक है, अच्छा तो ये जो डायग्राम है इसमें 4 डिफरेंट जोन होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका इम्पॉसिबल मिक्सचर जोन और एक्सप्लोसिव जोन, नॉट एक्सप्लोसिव जोन, और आपका जो है एक्सप्लोसिव जोन, नॉट एक्सप्लोसिव जोन और अनदर नॉन एक्सप्लोसिव जोन शो करता है इसमें। ओके यहाँ पे कहता है अगर गैस मिक्सचर सैम्पलिंग जो है एटमोसफेयर से अगर हम ले लेते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और उसको हम पॉइंट पे, मतलब इस प्लॉट कर देते हैं डायग्राम में, तो हम एक्सप्लोसिबिलिटी जो है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं जल्दी ही। ठीक है, तो इसको समझिएगा, समझ में आया क्वार्ट डायग्राम की बात, क्लियरली हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं क्या एक्सप्लोसिव स्टेटस गैस मिक्सचर का, इसको हम ट्रैक भी कर सकते हैं कि इसका जो स्टेटस है गैस मिक्सचर चेंज हो रहा है, तो उसको हम ट्रैक किया जा सकता है। ओके लेकिन प्रिवेंशन का कुछ इसमें नहीं बताया गया, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन में ये कह रहा था कि क्वार्ट डायग्राम के बेस पे जो मीथेन एयर मिक्सचर है उसमें 9.5% मीथेन है, 20% ऑक्सीजन है, उसको हम क्लासिफाइड करेंगे एज अ ऑप्टिमम स्टोइकियोमेट्रिक मिक्सचर या फिर इम्पॉसिबल एक्सप्लोजन या फिर वीक एक्सप्लोजन या फिर पोटेंशियली एक्सप्लोजिव मिक्सचर। तो याद रखिएगा इसको हम बोलेंगे ऑप्टिमम और स्टोइकियोमेट्रिक मिक्सचर बोलेंगे इसको। ठीक है, अगर 9.5% मीथेन है, 20% ऑक्सीजन है मीथेन एयर मिक्सचर में, तो इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक मिक्सचर ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्टिमम ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, मिनिमम डेप्थ ऑफ लॉकिंग और ऑफ बोथ ब्रिक्स एंड आरसीसी स्टोपिंग इन शेल रूफ एंड फ्लोर शुड बी, कहता है जो मिनिमम डेप्थ है लॉकिंग का, मतलब बोथ ब्रिक्स और आरसीसी स्टोपिंग दोनों की बात हो रही है, मतलब शेल रूफ में या फिर फ्लोर ले लो, तो वो कितना होना चाहिए। यहाँ पे कहता है मिनिमम डेप्थ बोल रहा है 1.0 मीटर, 1.5 मीटर, 15 सेंटीमीटर या फिर 30 सेंटीमीटर, कितना होना चाहिए बताइए दोस्त। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो 30 सेंटीमीटर मिनिमम डेप्थ हो सकता है लॉकिंग की, जब हम बात करते हैं दोनों ही ब्रिक्स की और या आरसीसी स्टोपिंग की बात ले लो, तो शेल रूफ की बात हो रही है, कम से कम 30 सेंटीमीटर गहराई हो सकती है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसको आगे बढ़ जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, आफ्टर एन इंसिडेंट डेंजरियस अकरेंस इन अ माइन
Governor or manager shall inform to regional inspector by telephone and shall give notice within what hours of such accident या occurrence. क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लीजिए कोई एक एक्सीडेंट या फिर डेंजरस हादसा हो जाता है माइन में, तो जो ऑनर मैनेजर है वो इन्फॉर्म करेगा, किसको इन्फॉर्म करेगा, रीजनल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करेगा, फोन करेगा, फोन घुमाएगा फटाक से और उसको नोटिस देगा. तो कितने घंटे के अंदर ये जो एक्सीडेंट या ऑकरेंस हुआ है उसके कितने घंटे के अंदर जो है ये इसको टेलीफोन को घुमाएगा, उनको इन्फॉर्म करेगा, नोटिस देगा. तो यहाँ पे कहता है कि नोटिस जो देगा वो कितने घंटे के अंदर देगा, 72 घंटे, 24 घंटा या फिर 48 घंटा या फिर 36 घंटा. इसका तो आप लोग फटाफट बता दोगे ना, 24 घंटे के अंदर जो है इसको नोटिस भेजना पड़ेगा उसको. ठीक है, याद रखिएगा इसको, जबरदस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है. लास्ट क्वेश्चन है हमारा, परमिशन फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल अदर देन बोर्ड एंड पिलर मेथड इज टू बी अप्लाइड टू. क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो बोर्ड एंड पिलर मेथड को छोड़ के कोई भी एक्सट्रैक्शन मतलब कोई भी डेवलपमेंट या फिर एक्सट्रैक्शन जो करते हैं हम कोल का वो नहीं किया जाएगा. ठीक है, जब तक एक रिटर्न परमिशन ना हो किन के द्वारा, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पे लिख सकते हो रिटन परमिशन भी गिवन बाई, यहाँ पे लिखा है देखो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी या फिर रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस या फिर चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइन या फिर डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी ऑफ द जोन. इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइन. अब हम आ जाते हैं रेगुलेशन नंबर उठा लो 113. ठीक है, 113 उठा लो, यहाँ पे आपको बोर्ड एंड पिलर मैथड मिल जाएगा कि जो एक्सट्रैक्शन करते हैं कोल का बाय मैथड अदर देन बोर्ड एंड पिलर सिस्टम, बकायदा लिखा हुआ है. ठीक है, जाओ वहां पे देखो, वहां पे लिखा हुआ है कि नो डेवलपमेंट और एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल बाय सिस्टम अदर देन बोर्ड एंड पिलर मेथड शैल बी कमेंस्ड कंडक्टेड और कैरिड आउट एक्सेप्ट विद द प्रीवियस परमिशन इन राइटिंग ऑफ द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस. ओके, याद रखिएगा इसको. ठीक है, तो बोर्ड एंड पिलर को छोड़ के कोई और भी बोर्ड एंड पिलर मेथड को छोड़ के कोई भी अदर मेथड अगर अपनाता है एक्सट्रैक्शन करने के लिए कोल को तो वो नहीं किया जाएगा. इस तरीके का कोई भी कमेंसमेंट नहीं किया जाएगा, कंडक्ट नहीं किया जाएगा जब तक एक रिटन परमिशन ना हो चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा. याद रहेगा, मजा आया क्वेश्चन में, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कैसा लगा क्वेश्चन, और जो है आप लोग तैयार रहिएगा कॉम्पिटिशन के लिए. बाकी यहाँ पे देखो आंसर की मिल जाएगा आपको फटाफट, यहाँ नीचे लिखा हुआ है. ठीक है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, फटाफट जुड़ो या जल्दी जल्दी जुड़ो टेलीग्राम पे, है ना. टेलीग्राम पे जो है डेली क्विज हो रहे हैं, वो आपने देखा नहीं क्या ऐड टेलीग्राम का, शॉर्ट्स चेक किया करिए हमारे चैनल का, करियर इन एक्शन का शॉर्ट्स जरूर चेक किया करिए. शॉर्ट्स में जो है बहुत सारे इजी ट्रिक्स आपके लिए अवेलेबल है वहाँ पे, आप उसको देखो. अच्छा, टेलीग्राम को ज्वाइन हो जाए, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाए. डेली जो है मंडे टू फ्राइडे वहाँ पे क्विज हो रहे हैं, फ्री क्विज है, कोई पैसा नहीं लग रहा आपका, फ्री क्विज है, उसको आप दो, अपना प्रिपरेशन चेक करो कहाँ पे हो आप. ओके, सो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगले क्लास में. आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू एट द नेक्स्ट क्लास.